बाबा साहब के धम्म में जाने से आवाम मानसिक रूप से जागृत होगा, मानसिक रूप से हिंदू धर्म से मुक्त होगा और स्वयं अपना निर्णय स्वयं लेना शुरू करेगा। वो उसके मन में भय नहीं होगा, वो बराबर का इंसान बन जाएगा, वो बाबा साहब और बुद्ध के रास्ते पर चलना शुरू कर देगा। जैसे ही ये बुद्ध धम्म अपनाएगा तो फिर उसकी गरीबी मिट जाएगी, अशिक्षा मिट जाएगी और वो एक बराबर इंसानों की तरह सम्मान पूर्वक जिंदगी जी सकेगा। ये बाबा साहब का धम्म आज नहीं, इंजीनियर साहब आज भी घरों के अंदर देखा जाता है कि बहन बेटियां बड़े पैमाने पे घूंघट करती हैं, तो मंच पे आके जो हमारे नेतागण हैं वो कहते हैं कि हमें धम में जाना, क्या धम ये सिखाता है कि घर के अंदर बहन बेटियों को घूंघट के अंदर रहना चाहिए? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हमारा शिक्षित वर्ग है, संस्कारित नहीं है। हमारा शिक्षित वर्ग बाबा साहब का जय भीम तो करता है लेकिन बाबा साहब के धम को नहीं अपनाता। वो बाबा साहब का आरक्षण ले लेता है, वो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं नहीं मानता। हमारे नेता लोग, जय भीम करने वाले नेता लोग, ये बाबा साहब के जय भीम तो करते हैं लेकिन ये वही कांग्रेस में और बीजेपी में ब्राह्मणवाद में चले जाते हैं क्योंकि ये 22 प्रतिज्ञाओं को नहीं मानते। ये शिक्षित हैं, संस्कारित नहीं हैं। जब तक आचार विचार संस्कार त्योहार और व्यवहार बुद्ध धम्म के नहीं होंगे, जब तक इनके आचरण पंचशील के नहीं होंगे, जब तक इनके मन में अष्टांगिक मार्ग नहीं होगा, जब तक इनको विपसना का रास्ता पता नहीं होगा, जब तक इनको आज़ादी का रास्ता पता नहीं होगा, बाबा साहब के धम्म का रास्ता, बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि, जब तक पता नहीं होगा इनकी आज़ादी हिंदू धर्म में रह करके गुलाम बने रहेंगे, इनकी आज़ादी संभव नहीं है। और अगर ये गुलाम लोग आज़ाद होना चाहते हैं तो इन्हें हिंदू धर्म का त्याग करना ही होगा। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं माननी ही होगी और देवी देवताओं को घरों से बाहर फेंकना ही होगा, हिंदू धर्म का त्याग करना ही होगा। लेकिन इंजीनियर साहब, पढ़ाया जाता है कि जो शिक्षा की देवी है वो सरस्वती है और जो धन की जो लक्ष्मी है वो लक्ष्मी को कहा जाता है, किताबों के अंदर ये पढ़ाया जाता है, ये जो लिखा किसने, ये किताबें किसने लिखी? ब्राह्मणों ने लिखी। तो धन की देवी लक्ष्मी बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो भारत में 80% लोग गरीब क्यों हैं? अगर शिक्षा की देवी सरस्वती होती तो फिर भारत में 50% पढ़े लिखे क्यों नहीं है? इसलिए ना शिक्षा की देवी सरस्वती है, ना धन की देवी लक्ष्मी है। अमेरिका में कोई लक्ष्मी नहीं, सभी अमीर हैं। जापान में सभी अमीर हैं क्योंकि वहां लक्ष्मी सरस्वती नहीं है, जापान में सब लोग पढ़े हुए हैं। इसलिए मैं बिल्कुल इस बात को नहीं मानता। दरअसल बात क्या है, सरस्वती के नाम पर यहां अशिक्षा फैलाई गई हुई है, अंधकार और अविश्वास फैलाया गया है। इस लक्ष्मी ने ही भारत के 50 करोड़ लोगों को गरीब बनाया है, इसलिए लक्ष्मी ने गरीब बनाया है और सरस्वती ने गुलाम बनाया है, अशिक्षित बनाया है। ये सरस्वती और लक्ष्मी और इस तरह के 33 करोड़ देवी देवता जो भी ब्राह्मणों ने डिजाइन किए हैं, ये मूल निवासी बहुजनों को गुलाम बनाने के लिए किए हैं। इसलिए बाबा साहब को मानते हैं, जो लोग बाबा साहब को मानते हैं वो बुद्ध धर्म को जानते मानते हैं। पूर्ण अम्बेडकरवाद केवल बुद्ध धर्म के साथ, संपूर्ण अम्बेडकरवाद केवल बुद्ध धर्म के साथ। और मैं एक और संदेश देना चाहूंगा इन आरएसएस के लोगों को, इन ब्राह्मणवादियों को, इन मनवादियों को, रामलीला मैदान से, ये रामलीला मैदान नहीं है, इसका नाम अंबेडकर मैदान होना चाहिए। आज से इसका नाम रामलीला मैदान की जगह मैं इसको अंबेडकर मैदान कहना शुरू करता हूं। और आरएसएस को संदेश यहां से देना चाहता हूं, अगर तुमने राम मंदिर बनाना है तो बोध गया आजाद करो, फिर मंदिर की बात करो। बोध गया आजाद करो,
फिर मंदिर की बात करो। अगर तुम आजादी की बात करते हो तो तुमने तो तुम्हारे अनुसार ही तुम कहते हो बुद्ध हमारे देवता हैं, बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। अरे विष्णु के अवतार दसवें अवतार मानते हो तो तुम बुद्ध को आजाद कर दो। तुमने बुद्ध गया के मंदिर पे कब्जा क्यों किया हुआ है? बुद्ध गया आजाद करो, फिर मंदिर की बात करो। इंजीनियर साहब सभी लोग ये कहते हैं और बाबा साहब का भी मानना था कि ऐसे ढोक लीला करने से अच्छा है कि मेरे जो बताए हुए रास्ते हैं उस पर चलना चाहिए, क्योंकि अब भगवान गौतम बुद्ध की जो एक 22 प्रतिज्ञा है या और भी जो उनके संदेश थे एक मंदिर में आके समट गए हैं। बाबा साहब का भी जो साहित्य है एक मंदिर में आके समट गया है, तो इनको खुला आजादी क्यों नहीं मिल पा रही है? दरअसल बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में साफ साफ लिखा है कि जिस तरह से जो 10 कमांडेंट्स ग्रीप ने नहीं माने, जिस तरह से उसी तरह से बाबा साहब के अनुयायियों ने उनके 22 प्रतिज्ञाएं नहीं मानी। दरअसल बात क्या है, लोग बाबा साहब को मानते ही नहीं, आरएसएस वाले भी बाबा साहब को जय भीम करने लगे। जय भीम, आओ भाई जय भीम करने वाले आरएसएस वालों, अब मैं चैलेंज देता हूं इस देश के प्रधानमंत्री को, मैं इस देश की आरएसएस को, कांग्रेस को चैलेंज देता हूं, आओ जय भीम करो, तो पहले बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं मानो, नहीं तो मैं तुम्हें नकली अंबेडकरवादी मानता हूं। मैं तुम्हें नकली अंबेडकरवादी मानता हूं, क्योंकि कांग्रेस के चावन्नी के मेंबर नहीं बनना। कांग्रेस इज बर्निंग हाउस, कांग्रेस जलता हुआ घर है, ऐसा बाबा साहब ने खुद कहा था। इन कांग्रेसियों ने, इन बीजेपी के लोगों ने, इन आरएसएस के लोगों ने बाबा साहब को दफनाने की पूरी पूरी कोशिश की, लेकिन बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं जो लोग जानते हैं वो कभी बाबा साहब को नीचे जाने नहीं दे सकते। साहब आज की जो प्रक्रिया चल रही है पूरे देश के अंदर, अगर किसी को खत्म करना है तो उसका इतिहास खत्म कर दो। बाबा साहब के संविधान पर बहुत गहरी निगाह है कि वो संविधान खत्म करने जा रहे हैं। दरअसल बात ये नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं मानता ना संविधान को कोई खतरा है, ना बाबा साहब के मिशन को खतरा है। खतरा है आर्य ब्राह्मणों को, अरे खतरा है हिंदू धर्म को। या तो अंबेडकरवाद रहेगा या फिर ब्राह्मणवाद रहेगा। ब्राह्मणवाद को खतरा है, अंबेडकरवाद है। ब्राह्मणवाद को अगले 5 साल में उखाड़ के फेंकेगा। और मैं आपको कहता हूं, खतरा दरअसल ब्राह्मण को है, खतरा ब्राह्मणों के धर्म को है, खतरा आरएसएस को है, खतरा कांग्रेस को है। कांग्रेस तो देश से बाहर हो ही चुकी है, क्योंकि कांग्रेस ने बाबा साहब को बेइज्जत किया, तो कांग्रेस तो देश से बाहर हो गई है। अब नंबर है बीजेपी और आरएसएस के इस देश से बाहर होने का, अब नंबर है भारत को ब्राह्मण मुक्त भारत बनाने का। आइए हम आपका आह्वान करते हैं रामलीला मैदान से, ब्राह्मण मुक्त भारत डिजाइन करें हम मूल निवासी बहुजनों को। अंबेडकर मैदान आप फिर अपनी करेंगे रामलीला मैदान। मैं आपसे माफी चाहूंगा, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। इस आज से हम इसको अंबेडकर मैदान डिक्लेयर करते हैं, आज से यह रामलीला मैदान नहीं है, आज से सभी लोग कहेंगे अंबेडकर मैदान। और बाबा साहब के मिशन में कोई दिक्कत नहीं है, संविधान को कोई खतरा नहीं है, ये आरएसएस वालों को खतरा है, बीजेपी को खतरा है, मनवादियों को खतरा है, जाति व्यवस्था को खतरा है, ब्राह्मणवाद को खतरा है, और अंबेडकरवाद और ब्राह्मणवाद का डायरेक्ट युद्ध शुरू हो गया है, जो कि अगले 5 साल में खत्म हो जाएगा। ब्राह्मणवाद हमेशा हमेशा के लिए भारत से खत्म हो जाएगा, और अंबेडकरवाद ब्राह्मणवाद को हमेशा हमेशा के लिए परास्त करेगा। यह हकीकत बात है कि बाबा साहब ने जिस समय मंच पे बोला था कि जिस समाज के अंदर 20 इंजीनियर, 20 डॉक्टर और 20 एडवोकेट यानी वकील हो जाए तो इस समाज को कोई पछाड़ नहीं सकता और बाबा साहब के मिशन को कोई पछाड़ नहीं सकता। आइए हमारे बीच में डॉक्टर एसएन गौतम जी। डॉक्टर एसएन गौतम